हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। और दूसरा सवाल ये है कि ये तो शेप हो गया, ये तो पिक्चर हो गया, लेकिन शेप में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग पेज ले सकते हैं। पेज लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैंने पेज लिया ही है ऑलरेडी। यहाँ पर आ जाइए, कंट्रोल के साथ आपको एंटर प्रेस कर देना है, ये पेज ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ शेप। ठीक है, अब सवाल शेप से लेकर के उठा है, शेप आएगा कहां से। तो यहां पर आपको इंसर्ट में चले जाना है और यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा शेप्स। तो यहां पर चले जाइए और आपको जो भी शेप चाहिए वो शेप ले लीजिए। ठीक है, लाइक मैं यहां पर एक शेप ले लेता हूं, ये शेप। ठीक है, इसी को ले लेता हूं। ठीक है, और इसको यहां से ड्रैग करवा दीजिए इस तरीके से। अब जैसे ही ड्रैग करवाएंगे तो ये शेप आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें फिल करना है, कलर फिल करना है। कैसे कलर फिल करें? ठीक है, तो कलर तो फिल करना बहुत आसान है। यहां पर आप क्लिक करेंगे, देखिए ये इस तरह का एरो जब बनेगा तभी आपको क्लिक करना है, और एक ही बार क्लिक करना है। इस तरह से एक बार क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद ये शेप फिल आ जाएगा, आपको ये दिखाई पड़ेगा और यहां पर भी दिखाई पड़ेगा। तो यहां से तो ये कलर, इस तरह के कलर आप ले सकते हैं, तो इस तरह से ये फिल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं डार्क कलर लेना तो यहां से ले सकते हैं, ये देखिए शेप फिल दिया हुआ है, यहां से आपका डार्क कलर आ जाएगा। फिलहाल मैं यही कलर रहने देता हूं। और यहां पर जाते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा शेप आउटलाइन। तो यहां से आउटलाइन को कलर किस कलर में करना चाहते हैं वो देख लीजिए। लाइक मैं अगर यहां पर आउटलाइन को कर देता हूं रेड कलर, तो ये देखिए आउटलाइन रेड कलर में आने लगी। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये थोड़ा चौड़ा हो सकता है क्या और मोटा हो जाएगा। देखिए मोटा भी हो जाएगा, कैसे होगा? देखिए ये शेप आउटलाइन है ना, यहां पर आप आइए और ये वेट दिया हुआ है। वेट का मतलब होता है वजन, कितना वजन है, कितना मोटाई रहेगा, ये आप डिसाइड कर सकते हैं यहां से। देखिए ये ठीक है, और यहाँ पे मोर लाइंस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने हिसाब से ये डैश वाली लाइन चाहिए, कैसी लाइन चाहिए तो ये ले सकते हैं। लाइक डैश वाली चाहिए तो ये देखिए डैश वाली लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया आउटलाइन की बात। इसके बाद से शेप को चेंज करना चाहे तो ये चेंज शेप पे चले जाइएगा और जो भी शेप आपको ठीक लगे वो शेप लेकर के इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसी को रखता हूं, कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं, कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता है। अंडू यानी जो आपने डू जो आपने किया उससे एक स्टेप पीछे चला जाएगा, और कंट्रोल वाई से रेडो हो जाता है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस पर हमको लिखना है, लिख तो नहीं पा रहे अभी हम। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, देखिए ये तो आ गया यहां पर। अब मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, लेकिन लिख रहा हूं, लिख तो रहा है ये, लेकिन ये मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि ये इसके नीचे चला जा रहा है, दैट्स व्हाई ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अभी हमको लिखना है, तो कैसे लिखें इसके ऊपर? इसके ऊपर हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखें? ठीक है, तो ये बड़ा आसान है। यहां पर राइट क्लिक करेंगे तो यहां आपको कोई भी टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ेगा। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन जो आपको इमेज पर मिलता था वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहां पर अगर जाएंगे आप तो आपको दिखाई पड़ेगा ऑर्डर। ठीक है, और ऑर्डर पे जाने के बाद इसको सेंड बैक करना चाहते हैं या ब्रिंग फॉरवर्ड करना चाहते हैं, सेंड बैकवर्ड करना चाहते हैं, ये देख लीजिए। तो अगर इसको सेंड बैकवर्ड करेंगे तो अभी इस पर कोई असर पड़ेगा नहीं। तो आप एक बार और यहां आइए ऑर्डर पर, और यहां पर कर दीजिए इसको सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, तो जैसे ही बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है इसके ऊपर आ जाएगा और शेप आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों चीजें दिखाई पड़ेंगी आपको। आप चाहे तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। कलर कैसे चेंज करेंगे? इसको ले लीजिए इस तरह से सिलेक्शन में, और कलर यहां से चेंज कर लीजिए। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, यहां पर रेड कर देता हूं तो ये रेड हो गया। ठीक है, तो जो भी आप लिखेंगे वो इस पर टाइप हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या करता हूं, इंसर्ट पे चलता हूं, और इंसर्ट पे जाने के बाद ये वर्ड आर्ट पे चलते हैं और यहां से ये ले लेता हूं। यहां पर क्या करना है, कुछ टाइप करना है। लाइक मैं यहां टाइप कर देता हूं अपना नाम, तो ये लिखता हूं मैं सूरज सर, ये लिख दिया। ठीक है, बहुत आसान है, इजी है, समझिएगा। और बोल्ड करना चाहे तो थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। अब ये सूरज सर इसके ऊपर आ गया। ठीक है, यहां पर आ गया, देख सकते हैं। ओके, जिधर भी लेके जाना चाहे आप आसानी के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिए, पीछे कर दीजिए। लाइक यहां पे जाइए और यहां से आप इसको ये कर सकते हैं। लाइक इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये ऑलरेडी जो है यहाँ पे ऑर्डर में जाइए आप, और अगर इसको कर देते हैं तो ये अब दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि ये तो पीछे चला गया और शेप वाला जो डिजाइन है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर आ गया, तो ये आपको दिखाई नहीं पड़ता है। और बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है। ठीक है,
तो आपको करना क्या है, आपके ऑर्डर पे जाना है और यहाँ पे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर देना है, और जैसे ही इस शेप को बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं आप, तो आपको ये दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये था कि इसमें लिखेंगे कैसे, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई शेप हम इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, तो यहां पर आते हैं और शेप पे आते हैं, ये शेप आपको दिखाई पड़ेगा, और सपोज कीजिए कि ये वाला शेप मैं ले लेता हूं, ये ट्रायंगल, ठीक है, अब ये ले लिया, अब हम चाहते हैं इसी में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, देखिए इस पर राइट क्लिक कर दीजिए आप, ये देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा एड टेक्स्ट, ठीक है, आपको एड टेक्स्ट पे जाना है, अब यहां पर आप लिख पाएंगे, देखिए मैं अपना नाम लिखता हूं, तो ये मैं इस शेप के अंदर लिख पा रहा हूं, ठीक है, ये वो तरीका है जिससे आप शेप के अंदर भी लिख पाइएगा इजिली, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसको ये जो है ना, ये जो टेक्स्ट आपने लिया है, इसको यहां पे लेके जाइए, ये इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि आपने एड टेक्स्ट कर दिया ना, तो ये भी वर्ल्ड आर्ट वाला जो आपने लिखा है ये भी इसके अंदर चला जाएगा इजिली, ठीक है। अब देखिए ये जैसे जैसे मैं बड़ा कर रहा हूं, चूंकि शेप छोटा है तो ये जो है दिखाई देना बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही छोटा करेंगे तो ये फिर दिखाई देगा। अब शेप की साइज को बड़ा कीजिए, ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यहां पर क्लिक कीजिए, अब ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट टाइम ये बड़ा हो जाएगा, देखिए बड़ा हो गया। अब शेप को और बड़ा कर दीजिए, ये और बड़ा हो जाएगा, ये देखिए, अब यहां पर क्लिक कीजिए, इसको और बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये लिखने वाली बात आपके समझ में आ गई होगी कि इसमें कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।